वेलकम बैक क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज लेफ्ट इज द न्यूक्लियस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, सिमिलरली एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है विच एक्ट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेटा व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री, हमने बात की थी कि न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट इन ईयर 1831। ओके, सो व्हेनेवर वी आर ड्रॉइंग अ सेल, जब भी हमने जितनी बार भी ब्लैक बोर्ड पे सेल बनाया है उतनी ही बार सेंटर में हम एक राउंड चीज बनाते हैं। फाइन, एंड दैट राउंड थिंग इज द न्यूक्लियस। ओके, सो इट इज लार्ज स्फेरिकल एंड सेंट्रली प्लेस्ड सेल ऑर्गेनेल। मतलब लार्ज है, स्फेरिकल है शेप में और सेल के सेंटर में होता है प्लेस। फाइन, इट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। हमने जैसे पहले बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जो जेनेटिक मटेरियल है इट लाइज इन अ ओपन प्लेस इन द साइटोप्लास्ट। बट अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, वी आर स्टडिंग द यूकैरियोटिक सेल, उसी में न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। सो विच इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट, कि ये सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है पूरे सेल की। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ओके, सो वी कैन से ये सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है और इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। फाइन, सो लेट्स टॉक मोर अबाउट न्यूक्लियस। जो नेक्स्ट आपकी बुक में डायग्राम दिया है न्यूक्लियस का, सो इट वी हैव अ न्यूक्लियस इन द सेल, न्यूक्लियस विच इज शोन। अब इसको कट ओपन किया, वी कैन सी द शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप। अब जब इसको कट ओपन करते हैं बेटा, देन वी हैव न्यूक्लियस में वी हैव सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवलप, ओके, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर बेटा छोटे छोटे छेद होते हैं, बिकॉज देर आर सम पोर्स इनसाइड इट, क्योंकि किसी सामान को न्यूक्लियस के अंदर जाना है, ये हियर इज अ पोर लाइक, ठीक है, किसी चीज को अंदर आना है, किसी को न्यूक्लियस से बाहर जाना है, वो सब होगा पॉसिबल पोर से। तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, पोर मतलब छेद, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर है छेद, कोई भी सामान अंदर या बाहर जाना है अगर न्यूक्लियस में, इट हैपन्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर बेटा वी हैव वन मोर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है जहां पे ज्यादातर राइबोसोम्स क्लस्टर्ड होते हैं, ये सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के। इसके अलावा न्यूक्लियस में जो हमारा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द थ्रेड, धागे की तरह पूरे न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। सो अगर न्यूक्लियस का हमने कट ओपन स्ट्रक्चर किया है, सबसे बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है छेद, एंड दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद जो होता है सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अलावा इसमें होता है क्रोमेटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं कि धीरे धीरे धागे 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 से पड़े हैं, दिस ऑल इज क्रोमेटिन, ठीक है। उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट हम न्यूक्लियस की बात करें, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन डिटेल। अब न्यूक्लियोलस हमने डायग्राम में देखा है, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की न्यूक्लियस में क्या जरूरत है। न्यूक्लियोलस होता है जहां पे राइबोसोम्स क्लस्टर्ड होते हैं और राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो अब नाउ राइबोसोम्स यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सो न्यूक्लियोलस में होता है राइबोसोम्स जो कि बनाते हैं हमारे प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इन द डीएनए इज इन द न्यूक्लियस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। सो इट इज थिन, पतले पतले थ्रेड की तरह है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एंटेंगल्ड, आपस में फंसे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं, एंटेंगल्ड मतलब उलझे हुए एक तरीके से। सो जैसे अगर हम धागे को खींच के और छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ऐसे उलझ जाता है, तो इसी तरीके से होता है हमारे अंदर क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन्स। हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, इट हैज डीएनए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट हैज इज द डीएनए।
और डीएनए जो होता है वो कुछ प्रोटीन्स के साथ चिपक के क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो जब सेल को डिवाइड करना होता है, अब सपोज सेल को डिवाइड करना है मतलब सेल को दो भागों में बटना है, ठीक है। अब सेल को दो में डिवाइड होना है, अब न्यूक्लियस को कैसे डिवाइड करें हम, इफ इट इज लाइक थ्रेड लाइक, तो क्रोमेटिन को कैसे हम डिवाइड करें, कौन सा धागे का कौन सा एंड कहाँ जा रहा है। सो फॉर दैट जब जैसे ही हमारा डिविजन होना शुरू होता है सेल का, कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन, कंडेंस हो जाता है मतलब उसको आपस में छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा कंडेंस होके और एक शेप ले लेते हैं, रॉड शेप क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, दिस इज हाउ अ क्रोमोसोम लुक्स लाइक, ठीक है, ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो जैसे ही सेल को डिवाइड होना होता है, जो सारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है, दे फॉर्म मल्टीपल क्रोमोसोम्स, एक कंडेंस हो गए थ्रेड्स और ऐसे बन जाते हैं। सो दैट अब जैसे सेल को डिवाइड होना है तो यहाँ से डिवाइड हो सकता है और या यहाँ से, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा सेल डिवीजन है, सो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, फाइन। नाउ द डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, समहाउ थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं हम अपने पेरेंट्स से, दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ द डीएनए, ठीक है। पेरेंट्स से जो हमारे जीन्स हैं वो हम आते हैं डीएनए में आते हैं हमारे, ठीक है, एंड डीएनए इज इन द न्यूक्लियस। सो डीएनए क्या होता है बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है इनहेरिटेंस की, ठीक है, कि हम नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें लेके जाएंगे, हमारे पेरेंट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में आई हुई है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड जीन, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं वो होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर होता है हमारा डीएनए और प्रोटीन। डीएनए की हमने बात करी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा, जब डीएनए की जो एक छोटा पोर्शन, डीएनए का जो एक छोटा सा पोर्शन जो कि किसी भी उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए कोड करता है उसको हम बोलते हैं जीन। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। कि सपोज डीएनए का इतना छोटा पोर्शन है ये बताएगा कि हाइट कितनी होगी आपकी, ठीक है। सो उतना सा फंक्शनल पोर्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ओके। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो हम बात कर चुके हैं कि ये सब कुछ कंट्रोल करेगा सेल का, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यूजुअली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सेल्स में बेटा ओनली वन न्यूक्लियस इज देयर, बट देयर आर फ्यू सेल्स जिसमें कई बार एक से ज्यादा न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस एबसेंट है। सो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, सो देयर आर मोर देन वन न्यूक्लियस इन द इन सम सेल्स, जिसका एग्जाम्पल है पैरामेशियम जो आपको याद करना है, एंड सम सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट ऑल, जिसका एग्जाम्पल आरबीसी है, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड, आपको नोटबुक में क्या क्या लिखना है, अपनी फेयर नोटबुक में वॉट ऑल यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट द न्यूक्लियोलस, की न्यूक्लियोलस होता है हमारे न्यूक्लियस में जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद होता है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल में आपने लिखना है कि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि बना होता है डी ऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड प्रोटीन्स का। उसके बाद आपने बताना है कि यही क्रोमेटिन जो है सेल डिविजन के टाइम पे कंडेंस होके फॉर्म बना लेता है, रॉड शेप फॉर्म बना लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डीएनए की, सो न्यूक्लियोलस देन क्रोमेटिन देन डीएनए। डीएनए जो होता है डी ऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे इनहेरिटेंस को कंटिन्यू करता है, हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा जीन्स की, सो अबाउट जीन्स, दैट जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो छोटा सा फंक्शनल सेगमेंट उसको हम बोलेंगे जीन, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियस का एक नॉर्मल फंक्शन बताया, वी हैव डन इट इन द लास्ट स्लाइड, यू नीड नॉट राइट इट अगेन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यूजुअली देयर इज ओनली वन सेल, वन न्यूक्लियस पर सेल, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, मोर देन वन न्यूक्लियस है हमारा पैरामेशियम में और देयर इज नो न्यूक्लियस इन द आरबीसीज, फाइन। सो दिस इज द काइंड ऑफ जो आपको अभी मैंने पूरा पढ़ाया उसको सम अप उन्होंने किया हुआ है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर सेंट्रल प्लेस लार्ज स्फेरिकल हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये अब न्यूक्लियस जो है हमारा सेल डिविजन की तरफ है, ये जो सेल है डिवाइड होने वाला है, दैट्स वाई हमें यहाँ क्रोमोसोम दिख रहे हैं, अदरवाइज हमको यहाँ क्या दिखता, हमको यहाँ दिखता क्रोमेटिन।
अगर अभी हमें क्रोमोसोम दिख रहे हैं मतलब ये डिवाइड होने वाला है. सो दिस इज नाउ अ क्रोमोसोम. ये जो स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है ये क्रोमोसोम का बनाया हुआ है. वी हैव फोर आर्म्स इन क्रोमोसोम, 1, 2, 3, 4. ये इनको आर्म्स बोल देते हैं, क्रोमेटिड बोल देते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब ये दोनों आपस में बहन जैसे हैं, सो दे आर नोन एज द सिस्टर क्रोमेटिड्स. उसके बाद इसके अंदर क्या है बेटा, इस क्रोमोसोम के अंदर है हमारा डीएनए और कुछ प्रोटीन्स जुड़े होते हैं. अब ये मान लो इस डीएनए हमारा ऐसा होता है, एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है, आपस में ऐसे उलझा हुआ सा होता है, ठीक है. सो नाउ वी नो ये डीएनए है. अब डीएनए का वो पोर्शन जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे जीन. सो नाउ हमें पता है कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है. वैसे हम जनरली इनको आपस में एक्सचेंज करके यूज करते थे टिल नाउ. अभी छोटी क्लासेस में हम इनको एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं, बट नॉट नाउ. नाउ यू नो कि कहाँ पे हमारा क्रोमोसोम होता है, कैसे हमारा डीएनए और कैसे हमारा जीन होता है. फॉर नाउ यू माइट इग्नोर ऑल दिस, बट दीज आर द नाइट्रोजनस बेस पेयर जो कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होती है. एक तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है और हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं जिन चार टाइप के होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन एंड थाइमिन. फाइन, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड वी आर डन विद द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द सेल. सो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द सेल. फाइन, मूविंग अहेड वी हैव द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. सो एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरेटिव हमने देखना है. हमने जैसे जैसे एक एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ा हमने उसमें बात की कि ये प्लांट में होता है, ये एनिमल में होता है, ये छोटा होता है प्लांट में, ये एनिमल में बड़ा होता है. सो नाउ वी हैव टू सम अप एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लांट एंड एनिमल सेल्स. दे शो सम वेरिएशन. प्लांट और एनिमल सेल्स में कुछ वेरिएशन होते हैं. प्लांट सेल जो होते हैं, सबसे पहली जो बात होती है प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में होती है ओनली सेल मेम्ब्रेन. सो प्लांट सेल में सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है. सो प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय एन आउटर सेल वॉल. सेल वॉल इज एबसेंट इन द एनिमल सेल्स. सिमिलरली जो है हमारे प्लास्टर्स हैं या वेक्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स बट आर एबसेंट इन द एनिमल सेल्स. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, एंड दिस सम्स अप अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल एंड द डिफरेंसेज बिटवीन देम. सो सबसे पहले अगर हमने बात करनी है, सो द एनिमल सेल्स आर स्मॉलर, ठीक है, एंड दे आर ओवल इन शेप. बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं होती तो ये बहुत ज्यादा अच्छी शेप अपनी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो नंबर वन इज दे आर स्मॉल एंड ओवल. अगर इनकी बात करें दे आर रिलेटिवली लार्जर. प्लांट सेल से तो बड़े होंगे साइज में और ज्यादातर रेक्टेंगुलर होंगे शेप में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है तो ये अपनी शेप के कॉर्नर्स मेंटेन कर सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड चीज है बेटा वो वही है कि सेल वॉल इज एब्सेंट और इधर होती है सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है. उसके बाद हम नंबर थ्री बात कर रहे हैं बेटा वैक्यूल्स. वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे या छोटे छोटे होंगे, ठीक है. यहाँ पे जो वैक्यूल्स हैं दे आर वेरी वेरी बिग, लार्ज हैं. ये हमने बात की थी कि इतने बड़े भी हो सकते हैं कि सेल का 90% एरिया वही कवर कर ले, ठीक है. नंबर फोर जो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, दे आर वेल डेवलप्ड. एनिमल्स में वेल डेवलप्ड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी के पास होता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अगर यहाँ बात करें तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है दे आर नॉट दैट वेल डेवलप्ड और इन्हीं को हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स. जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है हमारा प्लांट सेल का उनको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स. फाइन, नंबर फाइव जब हमने कल सेंट्रोसोम की बात की थी और सेंट्रियोल की बात करी थी तो दे वर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स. सो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल एंड दे आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल. उसके बाद बेटा हमने प्लास्टिड्स की बात की थी. दे वर डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग थे. तो द प्लास्टिड्स आर एब्सेंट हियर और प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नंबर सेवन अगर हम बात करते हैं, रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. जो एनिमल्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड स्टोर करते हैं और ये करते हैं स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में अपना रिजर्व फूड को स्टोर करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. यू हैव टू मेक दिस इन योर फेयर नोटबुक. ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी डिफरेंस. हर डिफरेंस हर सेल ऑर्गेनेल का आपको पता होना चाहिए और समझ में आना चाहिए. सो राइट इट, अंडरस्टैंड इट, और कहीं पर कोई डाउट होता है तो डू लेट मी नो, ठीक है. उसके बाद जो बेटा हम बात कर रहे हैं, अभी हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो बात करी है, हम इनका एक एक वो देखेंगे. प्लांट सेल का सपोज एक सेल होगा,
ये एक प्लांट सेल हमने बनाया है, ठीक है। इसमें हमने जो मेनली जो अलग देखना है वो देखना है, एक तो हमारा इसके अंदर वैक्यूल होंगे बड़े बड़े, दिस वन बिग थिंग इज वैक्यूल जो कि हमारे एनिमल सेल में, सॉरी दिस इज वैक्यूल जो कि हमारे एनिमल सेल में नहीं होंगे, ठीक है। एक हमारा जो बेटा प्लांट सेल होगा इसके बाहर होगी सेल वॉल जो कि हमारे एनिमल सेल में नहीं होगा। सो ये अलग है हमारा, वैक्यूल हमारा अलग है और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड अलग है, ये कि हमारा एनिमल सेल में नहीं होगा। और जो गोल्जी एपरेटस है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है और इसी को हम बोलते हैं डिक्टायोसोम, ठीक है। इसके जो गोल्जी एपरेटस है प्लांट सेल का, इसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम, ठीक है। अगर ऐसे ही हमें टिपिकल एनिमल सेल की अगर बात करती हूँ तो दिस इज अ लिटिल ओवल इन शेप। पहली बात तो ये है शेप में ओवल है, रिलेटिवली स्मॉल होगा साइज में प्लांट सेल से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसका गोल्जी एपरेटस, देखो कितना डेवलप्ड है उससे, ठीक है। इट डजंट हैव अ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होंगे, ठीक है। वैक्यूल्स या तो नहीं होंगे या बहुत छोटे होंगे, ठीक है। और जो गोल्जी एपरेटस है ये हमारा बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा, ठीक है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस एनिमल सेल, एनिमल सेल राउंड आपको लग रहा है, अच्छे से न्यूक्लियस वगैरह सब डेवलप्ड है, सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें होगा सेंट्रियोल जो कि प्लांट सेल में नहीं होगा, ठीक है। बाकी राइबोसोम सेम होंगे, लाइसोसोम्स भी होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ट्यूब्यूल्स वगैरह ये सब होंगे। बाकी सारी चीजें सेम एज द एनिमल सेल एक्सेप्ट दीज थिंग्स जो हमने मेंशन किए हैं, ये तीनों नहीं होंगे। और इसमें गोल्जी एपरेटस अच्छा होगा और सेंट्रियोल्स होंगे जो कि प्लांट सेल में नहीं होंगे। सो वी कैन हैव अ कंपैरिजन बिटवीन द टू डायग्राम्स, ठीक है। इसमें हमारा देखो तो थोड़ा सा शेप है, कॉर्नर्स निकलते हैं, दिस इज रिलेटिवली ओवल इन शेप। इसमें जो है हमारी सेल वॉल होगी, इसमें हमारी सेल वॉल नहीं होगी। इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होगा बट उसमें वैक्यूल हमारा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें है गोल्जी एपरेटस थोड़ा सा छोटा है, इसका गोल्जी एपरेटस बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। इसके अंदर हमारा सेंट्रियोल है, इसके अंदर हमारा सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो हम बात कर चुके हैं। सो एवरीथिंग जो है आप उस टेबल में समझ पाएंगे, आपको टेबल ही बनानी है और अच्छे से समझनी है। दैट विल सम अप योर प्लांट एंड एनिमल सेल। अब बेटा वी हैव डन ऑल द ऑर्गेनेल्स। अब अगर मैं पूरे अपने पिछले तीन वीडियोस को सम अप करूं जिसमें हमने अलग अलग ऑर्गेनेल्स को पढ़ा है, सो वी विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनेल एंड द फंक्शन, नेम एंड द फंक्शन, उससे हमारा जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा। दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक बेटा, ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, फेयर नोटबुक में। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कम ऑन फास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता था, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। रफ में होते हैं हमारे राइबोसोम जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। द सेकंड वन राइबोसोम, राइबोसोम फास्ट, राइबोसोम हमने बात कर ली, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है या प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम इसको। नंबर थ्री गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनको पैक करना है और इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना है, पैकेजिंग स्टोरिंग एंड ट्रांस डिस्पैचिंग द मटेरियल जो कि उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला है, ठीक है। नंबर फोर इज लाइसोसोम, लाइसोसोम में क्या होता था बहुत सारे एंजाइम्स होते थे और ये वेस्ट मटेरियल, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होता है या फिर ये सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, या तो वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है या फिर यही, इसी को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है। उसके बाद जो बेटा फिफ्थ पे है वैक्यूल, वैक्यूल हमने बात करी कि ये स्टोर करता है कुछ कुछ चीजें एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, हम बात कर चुके हैं स्टोरेज सैक्स है, रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे और प्लांट सेल में होंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स पे हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, ये हमको देगा एटीपी, करेंसी, ये सब हमको देगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है पावर हाउस, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी बेटा प्लास्टिड, प्लास्टिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमने ग्रीन कलर वाला प्लास्टिड की बात की थी, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि करेगा फोटोसिंथेसिस, तो ये भी हम बात करें तो सिर्फ प्लांट्स में होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ये हमारा
सेल डिवीजन में हेल्प करेगा और ये सिर्फ होगा हमारा एनिमल सेल में। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने बार बार बात करी है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द कंट्रोल सेंटर। एक तो कंट्रोल करेगा सब कुछ और इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे तो इनहेरिटेंस में भी हमारी ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ ऑल द थ्री वीडियोस जो लास्ट में हमने सेल ऑर्गेनेल्स की पढ़ी है। आप इस ओनली दिस टेबल से यू कैन रिवाइज ऑल द थ्री वीडियोस अलोंग विद दिस टेबल, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ऑर्गेनेल की अगर एक बात याद करनी है तो उसका फंक्शन याद रखना है, फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद अवर सेल ऑर्गेनेल्स। जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, वो है सेल डिविजन, विच यू विल बिगिन इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this video so patiently. Keep smiling and stay happy.